महाराणा प्रताप सागर झील पोंग झील में 70 से 80 एमएम साइज का मछली का बीज सिहाल खड्ड पर पोंग में डाला गया। यह बीज कोलकाता से ट्रकों में लाया गया है। इस दौरान मत्स्य सहकारी सभा सिहाल धमेटा स्थाना व खटियाड़ के पदाधिकारी व पोंग बांध के अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर स्थानीय विधायक भवानी सिंह पठानिया कार्यक्रम में पहुंचे और अपने शुभ हाथों से पोंग बांध में मछली का बीज डालने का श्री गणेश अपने हाथ से किया। उनके साथ मत्स्य विभाग के निदेशक विवेक चंदल भी मौजूद रहे। विभाग द्वारा कोलकाता से मंगवाए बीज का खुद निरीक्षण किया और बीज के बारे में जानकारी जुटाई, जबकि मौके पर बीज के साइज को भी नापा गया। इसके बाद विधायक ने सरकार की योजनाओं का लाभ लेने वाले मछुआरों को चेक भी बांटे। करीब 2 दर्जन मछुआरों को सरकार की योजनाओं के तहत किश्ती नाव मोटरसाइकिल आदि लेने के लिए चेक भी वितरित किए गए। इस मौके पर विधायक भवानी सिंह पठानिया ने अधिकारियों को आदेश दिए कि सरकार की योजनाओं का हर मछुआरे को लाभ मिले, यह अधिकारी सुनिश्चित करें। अर्थात उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं के लाभ से कोई भी मछुआरा वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि इस बार डाले जा रहे बीज की मात्रा को भी बढ़ाया गया है ताकि आने वाले वक्त में मछुआरों को अच्छी आय हो सके मछुआरों की आय को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर पोंग बांध के सहायक निदेशक विवेक शर्मा, मत्स्य अधिकारी पंकज पटियाल, मत्स्य अधिकारी देहरा कविता भाटिया, नगरोटा सूर्या के मत्स्य अधिकारी मंजीत सिंह व बरनाली के मत्स्य अधिकारी अंकुश धीमना, नंदपुर के मत्स्य अधिकारी मानव व धमेटा के बजरू राम मौजूद रहे। अमाउंट का डाला गया है सर, ये हमारा हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज और केंद्र सरकार के पीएमएमएसवाई के अंतर्गत बड़ी महत्वाकांक्षी एक हमारी ये योजना है, जिसमें कि हमारे जो 5 रिजर्वायर हैं स्टेट के अंदर, उन 5 के अंदर हर साल जो बीज संग्रहण किया जाता है। जहाँ तक पोंग डैम की बात है, इसमें कुल हमारा टारगेट जो है, हमने इसमें लगभग 71,000 बीज कुल मछली का डालना है, 71 लाख बीज डालना है, जिसकी लगभग 1 करोड़ के आसपास टोटल उसकी कॉस्ट है। आज यहाँ पर हम सिहाल में यहाँ जो एक कार्यक्रम किया गया जिसमें स्थानीय विधायक भी शामिल थे और सभी फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लोग थे, तो इसमें हमने प्रमुख तौर पे कतला, रोहू, मोरी और ग्रास कार्प, इन 4 वैरायटियों के हमने बीज डाले हैं और ये पिछले सालों की अपेक्षा बढ़ा करके इसको डाला गया है, क्योंकि ऐसा देखने में आया कि कुछ यहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स की भी काफ़ी आवाजाही रहती है, उस वजह से भी थोड़ी कम जो हमारी सर्वाइवल है, मोर्टैलिटी ज़्यादा होती है बीज की, तो उसको हमने बढ़ा के डाला है ताकि आने वाले समय में कैच बढ़े और हमारे यहाँ के जो फिशरमैन है उनकी आर्थिकी मजबूत हो। सर, अगर में बात करें तो कितने टाइम में जे पकड़ने के लायक हो जाती है या खाने के? 1 से 1.5 साल के अंतर्गत ये टेबल साइज तक ये फिश आ जाती है। इसके अंदर हम ये भी ध्यान रखते हैं कि जो सीड डाला जाए उसकी मिनिमम जो है वो 70 mm का सीड हो, ताकि उसकी सर्वाइवलिटी ज़्यादा हो, तो उस तरीके से साइंटिफिक स्टडी के बेस पे इस सीड को डाला जाता है। तो सर, इसको जो अंडर साइज मछली का शिकार हो जाता है, जो शिकारी कर लेते हैं अपने फायदे के लिए, उस पर उसके लिए क्या क्या प्रबंध किए जाते हैं? उसके लिए विभाग समय समय पर चेकिंग्स करता है, जहाँ जहाँ भी ऐसी कोई चीज़ पाई जाती है चलानिंग भी की जाती है और अवेयरनेस भी फार्मर्स में की जाती है, ताकि वो, क्योंकि अगर वो छोटे साइज की अंडर साइज फिशिंग होगी तो प्रॉपर ब्रीड नहीं कर पाएगी और अल्टीमेटली उसका कैच के ऊपर इफेक्ट आता है। सर, पहले देखा जाता था कि भारी मात्रा में अंडर साइज जाल पकड़ा जाता था, लोग पकड़े जाते थे, लेकिन आजकल ना जाल पकड़ा जा रहा है ना लोग पकड़े जा रहे हैं, क्या जी अंडरसाइज जाल मछली पकड़ना बंद हो चुका है या विभागीय कार्रवाई बंद हो गई? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, दोनों ही चीज़ें, विभागीय कार्रवाई भी हो रही है और थोड़ी सर्विलेंस और बढ़ाने की ज़रूरत है, हम इसमें विभाग इस दिशा में और काम करेगा। सर, अभी एक मेरा क्वेश्चन रहेगा आपसे कि अक्सर बीज जो पहले के समय में बीज जो था वो डाला जाता था जब ऑफ सीजन होता था, उस टाइम में डाला जाता था, जैसे आज की डेट में आपने अभी इस समय बीज डाला है, तो अभी ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स भी इस टाइम काफ़ी आए हुए हैं, तो ये क्या इससे नुकसान नहीं होगा? नहीं, इसकी माइग्रेटरी बर्ड्स को फैक्टर इन करके बीज की क्वांटिटी ज़्यादा डाली जाती है, लेकिन ये ऑप्टिमम पीरियड है डालने का, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूरे साल में कभी भी बीज को डाला जा सके, जो हमारी साइंटिफिक स्टडीज़ हैं उसके बेस पर जो रिकमेंडेशन आती है उस हिसाब से बीज डाला जाता है, तो ये ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड्स का इशू है, लेकिन जब ये 70 mm डालने का कारण ही है, जैसे जैसे थोड़ा सा बड़ा साइज़ हो जाता है सीड का तो वो अपनी देखरेख करने में ऐसा पाया गया कि थोड़ा ज़्यादा सक्षम हो जाता है, इसीलिए 70 mm का जो है सीड इसके अंदर डाला जा रहा है। सर, हम बात करें पोंग डैम की,
तो जहाँ पर एक वो डिपार्टमेंट के द्वारा लाखों रुपए खर्च करके केज बनाई गई थी जहाँ की मछली का पालन हो सके, लेकिन पिछले 2.5-3 साल से वो बंद पड़ा है और लाखों रुपए वो वेस्ट हो रहे हैं, उस पर उसको भी देखेंगे कैसे शुरू हो सकता है, उसको स्टडी करेंगे, उसको देखेंगे, अगर शुरू हो सकेगा तो उसको भी शुरू करेंगे। सर बंद होने के क्या कारण रहे? नहीं अभी मुझे उसकी जानकारी नहीं, मैंने हाल ही में विभाग को ज्वाइन किया है तो मैं इसको स्टडी करूंगा, आपने पूछा है मैं देखूंगा क्या उसमें। तो इसी तरह एक झुंड भी लगा हुआ है लाखों रुपए का खटियार में, वो भी बंद वो क्या लगा नहीं हो पाया। क्या लगा? एक झुंड लगा प्रोसेसिंग यूनिट उसको भी सारे इश्यूज मेरे ध्यान में आए हैं, अभी लाए गए हैं मेरे ध्यान में, तो इन सब के ऊपर हम एक्शन लेंगे। औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन लौट हो गई है, उस बारे में जानकारी देंगे सर? आपको अगर याद होगा तो माननीय मुख्यमंत्री जब यहाँ पर 30 अप्रैल को आए थे तो जखवड़ वाली जो हमारी लोअर बेल्ट है वहाँ पर एक हमने डिमांड की थी, उनसे रिक्वेस्ट की थी एक इंडस्ट्रियल एरिया खोलने की, तो इंडस्ट्रियल एरिया को उन्होंने मंजूरी दे दी थी। उसके बाद हमने जो है वो लैंड बैंक आइडेंटिफाई किए, ये लैंड बैंक 3 या 4 जगह पर आइडेंटिफाई हम कर पाए हैं, जो एक है बेली, दूसरा है बेली नूतरा, तीसरा है आपका जखवड़ वाला एक वो पड़ती है, और चौथी जगह जो है ये आपकी पड़ रही है टटवाली के पास। अब इनमें से जो भी सबसे अप्रोप्रिएट लगेगा उसको हम अक्वायर करके हैंडओवर कर देंगे। इनके पेपर्स जो हैं वो सारे के सारे जा चुके हैं, अब इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट जो है वो उसकी फिजिबिलिटी स्टडी करेगा किन 3 या 4 लैंड पार्सल में से कौन सा अप्रोप्रिएट है, और उस हिसाब से जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया के डेवलपमेंट का काम ये स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया बेली से लेके टटवाली के बीच का जो एरिया है वहाँ पे जहाँ पे भी अप्रोप्रिएट लैंड मिलती है इंडस्ट्रियल एरिया का काम वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। इसी के साथ बात करेंगे सोलर कुछ प्रोजेक्ट जो मंजूर हुआ है फतेहपुर के लिए, तो बताएंगे उस पर जानकारी देंगे। देखिए आप अगर सोलर पावर का थ्रस्ट देखें, ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी का ही एक डायरेक्शन है, और उस डायरेक्शन में बेसिकली 2 साइट्स और आइडेंटिफाई हुई हैं। पहली साइट जो है वो रियाली के अंदर है, रियाली में थोड़ा सा काम डिले हो गया था फ्लड की वजह से, लेकिन फॉर्चुनेटली जो साइट हमने आइडेंटिफाई की थी इसके लिए वह मंडी के बिल्कुल पास वाली साइट है, जो इंडस्ट्रियल एरिया के जो सॉरी आपकी सोलर पावर प्लांट के लिए जो साइट जो एक देखी गई थी आइडेंटिफाई की गई थी वो बच गई है, तो उसी को दोबारा से हम इसके कार्य को जो दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। और दूसरी एक साइट आइडेंटिफाई हुई है आपकी नगाल पंचायत में कोलड़ी वाले एरिया में, तो यहाँ दोनों में 20-20 मेगावाट के 2 जो हैं आपके सोलर पावर प्लांट हैं ये प्रस्तावित हैं, और लगभग 4 से 4.5 करोड़ रुपया जो है वो खर्चा आता है एक पावर प्लांट लगाने का, डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी आप कौन सी यूज़ कर रहे हो, तो अगर मैं 4 करोड़ के हिसाब से भी देखूं तो 40 मेगावाट का लगभग 160 करोड़ के आसपास की धनराशि जो है वो फतेहपुर में जो है वो खर्च होगी सोलर पावर प्लांट के लिए। थैंक यू सर। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।